बैक टू माय चैनल। तो जी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ एक व्लॉग। बेसिकली इट्स माय फर्स्ट व्लॉग एंड आई डोंट नो कि जी अल्लाह जाने के उसी क्या होगा आज के व्लॉग में, अल्लाह जाने आप लोग ही बताएंगे कैसा रहा। बेसिकली ये व्लॉग जो है वो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, जो कि कराची यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, उसके स्टूडेंट्स ने अरेंज किया था फूड फेस्टिवल, जहाँ पे उन्होंने अपने डिफरेंट इन्वेंशन हमारे साथ शेयर किए। उनका एक कॉम्पिटिशन था, तो बहुत कम चीज़ें शेयर की हैं जिस बेसिकली मुझे और मेरी दोस्तों को पसंद आई, जिस पे हमने वाकई में कहा अरे वाह। तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं आज के इस व्लॉग में। और उनके कंपटीशन में रखी हुई एक एक चीज़ ऐसी थी कि जब आप उसे देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी हर एक चीज़ में कि हम हर स्टॉल पे जाके सिर्फ और सिर्फ शॉक ही हो रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ, सारी चीज़ें नहीं शेयर की वरना एक घंटे तक का निकल जाता है ब्लॉग। बहुत कम चीज़ें शेयर की हैं जो कि मुझे पसंद आई, तो वो आप लोगों के साथ हम आज के इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद ना आया तो डिसलाइक मत कीजिएगा, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट व्लॉग, सो गिव मी अ पुश अप, एक ज़रा धक्का दें, एक कदम आगे की तरफ, ठीक है। तो बस मेरी बातें यहीं तक की थी, अभी व्लॉग में आपने मेरी और भी बहुत सारी बातें सुनी है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आयशा ये देखें जी, ये यहाँ पे लोग बैठे हुए थक हार के बैठे हुए सारे, मैं तो खड़ी हुई लेकिन थके हुए हैं हम लोग आज बहुत। आज फ्री में मेरी थी, ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिली है तो आप पागल ही हो। यहाँ पे ये सीन हो रहा था बीच में ये सीन हो रहा था, हमारी दोस्त है अफसा, वो बेचारी की जा रही थी, वहाँ इतने मोटे अंकल थे, उनके पेट से लग गए एकदम से पीछे हुए। कब हुआ ये? ये हुआ है वो नहीं गिरी, पता नहीं कौन था वो बहुत मोटे अंकल थे बेचारी अफसा, उनके पेट पर लग के पीछे इतनी रश हो गई थी। और यार हफ्सा ने सही किया, और ऐसे लूट मचा के रखी हुई है। आज तो हमने बहुत कुछ करना है। आज हम सबसे पहले पीएचडी क्लास ली, पीएचडी क्लास के बाद हमने अपनी माइक्रो भी क्लास बंक की, हमने बायोकेमिस्ट्री की लैब भी नहीं ली और हम उसी फेस्टिवल में घूमते रहे। चलो वैसे इकरा भी कह रही है आज हम जा रहे हैं अगर उस डिपार्टमेंट में, तो हम तैयार होके जाएँ। तैयार होके क्यों जा रहे हैं? इकरा ही पागल हो गई आज, ये पॉइंट जाएगा अंदर, ये पॉइंट हमें कहीं नहीं लेके जाएगा। ऐसे पागलों नहीं की तरह भागती है ना सारे, बस कहीं मिले। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी में कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके साथ दोस्त कितने हैं, क्योंकि विदाउट दोस्तों के आप कहीं भी ना आ जा सकते हैं ना जा सकते। ये हमें ऑरेंज का दरख्त मिल गया, ये पागलों को ऑरेंज नजर आ गए। अबे चलो, तो ये प्यारा तो बना है लेकिन ये आगे इसकी झाड़ियाँ क्यों हैं? ब्यूटी डिपार्टमेंट यहाँ के इतने अच्छे हैं, बाकी पूरा खंडर बना हुआ है, झाड़ियाँ ये देख यार, तुम दोनों क्या करो उधर निकल जाओ। कह रही है तुम्हें छोड़ के, इन लोगों को माइक्रोबायोलॉजी की इतनी फिक्र लगी हुई है ना, तो यार तुम लोगों को अगर नहीं नजर आ गया ओके आ गया, मैंने साइड पे हो जाओ तुम लोग, वरना तुम लोगों को धक्के देके मैं साइड पे करा दूंगी। किसको देख लूँ मैं? हम लोग काटेंगे। हाँ जाओ जाके घुस जाओ रिबन। अब हम इंटर होने जा रहे हैं उस साइड की तरफ जहाँ पे मोस्टली डिफरेंट कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए थे, बल्कि वो वहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट भी दे रहे थे, और कुछ कंपनीज़ तो ऐसी थी जनाब जो अपनी चीज़ें फ्री में बांट रही थी। और आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तानियों को जहाँ जो चीज़ फ्री में नज़र आती है वो उस पर टूट पड़ते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो हरे भरे स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं और थोड़ा खाली खाली सा आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, वो 1 या 12 बजे के बाद इतना भर गया था कि यहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी, और लोगों ने यहाँ पे लूट मचा दी थी और हमें वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल इस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं थी,
यहाँ पे हम बहुत जल्दी आ गए थे। इन अदर वर्ड आप ये कहें कि हम अपनी क्लासेस बंक करके यहाँ आ गए थे। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनीज के स्टॉल्स नज़र आएंगे और वो कंपनीज आपको 50% डिस्काउंट के साथ अपनी चीज़ें टेस्ट करने का मौका दे रही थी। अब हम आते हैं मेन साइट पे, जिसकी पूरी वीडियो आपको आज इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपने डिफरेंट स्टॉल्स के ज़रिए अपनी डिफरेंट इन्वेंशंस हमारे साथ डिस्कस की। हमने कॉन्सेंट्रेट बनाया है पपाया लीव्स डेंगू के लिए, और ये पपाया लीव्स कंज्यूम नहीं कर सकते, डिज़ायरेबल नहीं है। गावा लीव्स, पपाया लीव्स और प्लम का पल्प, ठीक है। तो बेसिकली कड़वा होता होगा। कड़वा होता है, तो हमने इसका हमारा जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इसकी कड़वाहट खत्म की जाए। सही, तो आपने कैसे की? तो ये इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए इस वजह से, मतलब ये तीन, अच्छा ये तीन आपने यूज़ किए। और डेंगू के मरीज है उनकी हो जानी है बल्ले बल्ले कि अगर वो ये ड्रिंक पी ले। बहुत ही मज़े का वो ड्रिंक था, बिल्कुल खट्टा मीठा टाइप का था। और पहले मैंने टेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने आयशा को दिया, क्योंकि आयशा और मैं बड़े फूडी टाइप के बंदे हैं, तो हम दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। जो चीज़ मैं ट्राई कर रही थी वो आयशा को दे रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद हमने उनको कमेंट्स देने थे, मतलब के रिव्यू देना था। सुपर यार, पहला स्टॉल था हमारा जिस पर हमने विज़िट किया, और हमें हम तो छा गए भाई, तुम लोग तो छा गए। अच्छा जी, अब आते हैं सेकंड स्टॉल की तरफ, जहाँ पे एक लड़की थी। बेसिकली वो हमें मायनीज टेस्ट करवा रही थी। अब आप बोलेंगे मायनीज में ऐसा क्या है जो वो टेस्ट करवा रही थी, तो बहुत ही कोई कमाल की चीज़ थी वो। बेसिकली मायनीज बनता है अंडों की मदद से, उसने मायनीज अंडों की मदद से नहीं बनाया था, तो किसी और चीज़ से बनाया होगा। लेकिन वो चीज़ क्या थी, जब मैंने सुनी ना, और मेरे साथ जो थी खड़ी हुई उन्होंने सुनी, तो हम सब हट्टे बट्टे हट्टे बट्टे कहते हैं कि हक्के बक्के जो भी कहते हैं, कि हम बिल्कुल शॉक रह गए कि इस चीज़ से जो चीज़ हम फेंक देते हैं उससे आपने यहाँ पे मायोनीज बना लिया है ना। दिमाग है, बहुत दिमाग है भाई उनके पास, बहुत ही ज़्यादा दिमाग है। इतना तो मेरे पास दिमाग नहीं होगा जितना उनके पास दिमाग है। तो कहूँ कि मैं अल्लाह ताला ने बिल्कुल कुट के उनके अंदर दिमाग डाला हुआ था, सारे स्क्रू उनके टाइट किए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ें थी भाई, कमाल के था। उस बंदी को मैं देख के शाबाश अभी शाबाश, ताली ताली ताली। वो आप लोग देखें कि वो चीज़ क्या थी जी। एगलेस मेयोनीज है, एगलेस मेयोनीज, मेयोनीज ओके। इसमें मिल्क है, इसमें एग है। हमने इसका यूज़ किया एग्वा फाबा, एग्वा फाबा के बिना मेयोनीज कैसे बनाया? एग्वा फाबा से बनाया है। एग्वा फाबा होता है चिकपीस होते हैं ना, सफ़ेद चने ये हम बॉईल करते हैं, जो उसका वाटर होता है ना वो होता है एग्वा फाबा, उससे बनाया है। ऑयल भी डला होगा? हाँ, ऑयल जैसे डलता है नॉर्मली मेयोनीज में, वैसे ही डला है। लेमन होता है, यही प्रोटीन रिच होते हैं, डाइट्री फाइबर होता है फ्लैक्स सीड्स में। असल कुछ लोगों को एग से एलर्जी होती है, तो वो एग वाला फिर मेयोनीज नहीं यूज़ करते, उसके लिए भी एक टारगेट है उन लोगों के लिए। तो आप ज़रा प्रोसीजर बता सकते हैं, मतलब किस तरीके से आपने उसको बनाया? प्रोसीजर ये था कि पहले तो मैंने चिक पीस को मैंने बॉईल किया, सही, और उसको बॉईल करने के बाद मैंने उसके एक्वा फाबा को, चिक पीस को और बाकी इंग्रेडिएंट्स को, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, इन सबको जो है मैंने ब्लेंड किया, सही। उसके बाद मैंने बीट भी किया, होम बन गया। शेल से, एक शेल से कैसे बना लिया? वो तो हम कचरे में फेंक देते थे। अंडा कैल्शियम कार्बोनेट वाला ना? नहीं नहीं, एग शेल। अच्छा एग शेल, हाँ। अच्छा ये क्या बताया आपने, कैसे किया, कैसे कैसे? ये बता सकती हूँ कि मतलब एग शेल का उसको पहले स्टरलाइज करके, क्योंकि सैल्मोनेला उसके अंदर ग्रो कर जाता है एग शेल के अंदर, ड्राई किया उसको पहले, स्टरलाइज मतलब बॉइल करके पे, ताकि सारे माइक्रोब्स जो इसके अंदर से वो केले स्टरलाइज करके उसको जो है, फिर उसको बेक वगैरह करके अच्छे तरीके से, फिर उसका पाउडर उसको ग्राइंड करा, उसको पाउडर बनाया है, उसके बाद उसने जो है ये, और ये मार्शमेलोज हैं जी, ये मार्शमेलोज हैं। Oh, oh, oh.
ऐसे शौक हो गए थे कि अंडे के छिलके तो हम फेंक देते हैं, आपने अंडे के छिलकों से मार्शमेलो कैसे बना ली। अब आपको नज़र आ रहा होगा और पता भी चल रहा होगा कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी भाई। हर स्टॉल पे जाकर मेरे मुंह से तो माशाअल्लाह निकल रहा था, माशाअल्लाह। हम तो दुआएं दे रहे थे उन्हें कि उन्हें नज़र ना लग जाए, मुझे तो लग रहा था, मुझे लग रहा था कि नज़र शजर बिता के आ जाऊँ, लग गई तो क्या होगा। ये आगे बढ़ते हैं। किसके वाटरमेलन ग्राइंड? वाटरमेलन ग्राइंड ड्राई, वो क्या होता है? छिलका होता है ना, उसके कबाब में। ये मैं हर स्टॉल पे जाके शौक हो रही हूँ, ये कैसे बना लिए यार आप लोगों ने। हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं, लेकिन मुझे लग रहा कौन से क्या इंग्रेडिएंट है इसमें, स्पाइसेस वगैरह मसाला है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट वही है। तो मतलब ये भी किसी चीज के कोई डिजीज से बचने के लिए, या किसी हार्ट डिजीज से प्रोड्यूस ब्लड प्रेशर करता है, और काफी पेशेंट्स होते हैं जिनको मीट मतलब नहीं अलाउ होता खाना, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका टेस्ट अगर देखो तो बिल्कुल बीफ कबाब से सिमिलर है। तो आपने ये जो वाटर आपको पूरा कैसे पसंद आया, मतलब फॉर्म में दे तो आपने ये जो वाटरमेलन का जो ऊपर ग्रीन वाला पार्ट होता है उसके वो वाइट वाला पार्ट, वाइट वाला रेड के बाद जो वाइट आता है ना, गोश्त पसंद है, ठीक है मैं खा लेती हूँ, जो बड़ा गोश्त जो होता है ना उसके कबाब खा लेती हूँ। बैंगन जब घर में बनते हैं ना तो मैं बैंगन की खुशबू से भी भाग जाती हूँ, खुशबू तो नहीं, मैं तो कहूँगी खुशबू होती ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद बैंगन। लेकिन उन आंटी ने मुझे बैंगन के कबाब खिलाए ना, और जब उन्होंने मुझे बताया ना तो मैं इधर देखती, मैं आपने मुझे बैंगन के कबाब खिला दिए, मेरी आज तक अम्मा नहीं खिला सकी मुझे बैंगन। तो आंटी ने मुझे बैंगन के, आंटी थी और लड़की थी खैर जो भी थी, उस बंदी ने मुझे बैंगन के कबाब खिला दिए। और उसी के पीछे वाले स्टॉल पर जब मैं गई ना तो उन्होंने केले के छिलकों के उन्होंने केक बनाया हुआ था, तोरी के छिलकों का उन्होंने बॉल्स बनाई हुई थी, बॉल्स या कबाब थे वो आपको आगे मिलेंगे, तोरी शलजम उनके छिलकों से उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी, तो वो तो मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं उधर से भाग गई। भागी क्या मैं, निकल गई। मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा टेस्ट करेंगे आप, मैंने कहा नहीं नहीं टेस्ट नहीं करने, ऐसे ही ठीक है। और बैंगन खा के आगे उनका टेस्ट। खैर अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो नेक्स्ट वाली बंदी है ना यार, ये तो सबसे कमाल की है, इन्होंने एक ऐसी चीज़ मुझे बताई जो कि अब आप लोगों के साथ भी शेयर होगी कि जिससे पोल्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। बनाना पेस्ट और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है? ये भी चटनी है, ग्रीन चटनी। ये तो रही की छिलकों की चटनी है, इसको आप अगर फिलिंग भी यूज़ कर सकती हैं, और इसको आप पराठे के साथ बना के भी खा सकती हैं। तो इसमें स्पाइस है? इसमें स्पाइस हल्की सी। सही। और ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये तुरई के छिलकों के चीज़ बॉल्स हैं, तुरई लौकी के छिलकों के कबाब हैं, और ये केले के छिलकों का केक। कि यहाँ पे रिव्यू चल रहे हैं जी, साइन भी कर दीजिए। अब आप जी बता सकती हैं कि ये असल में है क्या चीज़? ये हमने दलिये को यूज किया, गोश्त से और चने की दाल से गोश्त बनाया। गोश्त है नहीं, मतलब इसमें दलिया कौन सा मतलब सही वो, और उसके बाद और क्या चीज़ यूज़ किया आपने इसमें? ओट्स और चने की दाल। मोस्टली लोगों ने यहाँ पे चने वाइट वाले ना, चने की दाल, अच्छा चने की दाल, मतलब मोस्टली लोगों ने इस तरह से पार्सली टाइप चीज़। हाँ हाँ, और ये क्या चीज़ें रखी हुई हैं? अच्छा ये जो है ना अनियन वेस्ट है, मतलब अनियन का जो पीस होता है। अच्छा जी, मुझे इसे समझने में काफ़ी देर लगी थी कि ये असल में है क्या चीज़। तो इन्होंने जो प्याज होता है ना, प्याज के छिलके, उसकी मदद से इन्होंने ये शीट्स बनाई थी, और ये शीट्स ऐसे शीट्स हैं कि इनके अंदर कोई भी मटेरियल, कोई भी मसाला, कोई भी चीज़ आप डाल के सील करके, एक सील करके आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना होगा कि आपको पैकेट इनका फेंकना नहीं होगा, मसाला इनमें से निकाल के आपको इस पैकेट के समेत आपको मसाला डाल देना होगा चीज़ के अंदर, और वो खुद बहुत डिज़ोल्व हो जाएगा सब कुछ। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ थी जो मुझे समझ में आई बहुत एंड में जाके। ये है, ये
ये इसको हम लोग सील करेंगे, आप देखिए कितनी सील हो जाएगी इसकी, सील सीलिंग कैपेसिटी भी है। तो ये मतलब अनियन के जो छिलके हैं उनसे बना हुआ है, जैसे फिनॉल के मसाला नहीं होता, हाँ उसके अंदर डाल, हाँ फिनॉल का मसाला नहीं होता, हाँ हाँ उसके साथ जो आता है ये वो चीज़ है। ये वो पैकेजिंग है, बस इसको डाल दो पानी में, डायरेक्ट पानी खोलने की जरूरत नहीं है, आपको खोलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही डाल दो, खुद ही मसाले भी घुल जाएंगे आपको, खोलने की जरूरत नहीं है, खोला यूँ डाल। ये कैसे बनाया भाई बता सकते हैं आप लोग कमेंट में? हमने अनियन फ्लेक्स को यूज किया, स्टार्च को यूज किया और पानी बस खत्म, ये तीन चीजें। ये चीजों को आपने बॉईल किया या फिर किस तरीके से? इनको हम लोगों ने वाटर बाथ होता है उसमें हम लोगों ने रखा, हम लोगों ने इसको ग्लिसरॉल का, हम लोगों की पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, वेट का हिसाब होता है, उस हिसाब से डालना होता है आपको, अगर हम लोगों ने ओवर में रख दिया तो फिर यूं ड्राई होगा। सही यार, ये तो बड़ा ही कमाल की चीज है, क्या बता दिया, मैं तो इधर आगे हट्टी कट्टी रह गई हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने हमें दाल खिलाई है, ये हमें यहाँ पे तुरई खिलाना चाह रहे थे, वो हमें वहाँ पे बैंगन खिला रहे थे, जो हमारी अम्मा अबा ने आज तक कभी नहीं खिलाए। सही है यार। अच्छा जी, तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइप की चीज़ थी ये, कि उन्होंने प्याज के छिलके की मदद से उन्होंने इस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो पैकेट्स बना दिए, और दूसरा दलिए से उन्होंने कबाब बनाए, तो बहुत मज़े का था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और दूसरी बात जो चीज़ें मुझे बता दें वो मेरे मोटे दिमाग में बैठ नहीं रही थी, जब तक उसने मुझे खोल के बताया नहीं इसको सील कर देंगे ऐसा होगा, तब तक तो मेरे दिमाग में कुछ बैठना ही नहीं था, है ना, मैं कहाँ वो कहाँ, हाय हाय ज़मीन आसमान। खैर अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन लड़कियों ने बनाए थे जैम्स, इनके पास डिफरेंट, अब मुझे नहीं पता क्वांटिटी क्या है, कितने फ्रूट्स थे, उन फ्रूट्स के इन्होंने जैम बनाए थे, ठीक है, वो जैम हमने टेस्ट तो नहीं किए, लेकिन हमारे बाद जिन जिन लड़कियों ने टेस्ट किए उन्होंने उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, मतलब रिव्यू बहुत अच्छा दिया कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बनाए, तो देखते हैं। ये सब क्या चीज़ें? जैम्स हैं, डिफरेंट जैम्स, और आप लोगों ने खुद बनाए? आप लोगों को कुकिंग आती है? बहुत क्यूट क्यूट से हैं। अच्छा जी, अब लास्ट में आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं, वो सिंधी माड़ू थे, वो दो लड़के थे, आई थिंक सिंध से आए हुए थे वो बेचारे, और बेचारे तो नहीं मैं कहूँगी, बहुत इंटेलिजेंट थे वो, उन्होंने माइक्रोवेव बनाया था। आपने बिजली वाला माइक्रोवेव देखा है, गैस वाला माइक्रोवेव देखा है, ये अंकल अपनी बाइक पे जा रहे हैं ना, मेरा दिल करता है मैं इनकी सारी बाइक लेके आग लगा दूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है बीच में मेरे घर की भी दो तीन बाइकें हैं, बाइकें बाइक्स हैं यार, व्हाट हैपेंड टू मी, ओ माय गॉड। अच्छा जी, खैर मैं ऊपर आना जाना लगा रहता है, तो हम कहाँ पर थे? हम थे माइक्रोवेव पे, हाँ माइक्रोवेव पे थे, कि आपने डिफरेंट टाइप के माइक्रोवेव देखे होंगे, गैस वाला देखा होगा, बिजली वाला देखा होगा, लेकिन जी इन्होंने तीसरी टाइप का माइक्रोवेव बनाया था जो कि कमाल था, तो देखते हैं। सोलर कुकर है, सोलर अमन, ओवन, सोलर अमन, जैसे माइक्रोवेव अमन होता है ना, हाँ। वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ये सोलर अमन है, ये डायरेक्टली सनलाइट की हेल्प से चलेगा, इसके थ्रू आप खाने को बेक कर सकती हैं, ड्राई कर सकती हैं, कुक कर सकती हैं, हीट कर सकती हैं। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो तीन चीज़ों में ये काम करता है, रिटेंशन, एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब काम कैसे करेगा, हमें गर्म कैसे करना है खाना, हम खाने को इसके अंदर रखेंगे, ये मतलब खुलता है यहाँ से, खाना जहाँ से अंदर रखा, उसके बाद जैसे ही सन, इसको मतलब ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सन आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे पड़े उसका शेडो यहाँ पे आएगा, मतलब सनलाइट यहाँ पे आए, सनलाइट यहाँ पे आएंगे, उसके बाद रिफ्लेक्ट होंगी अंदर, सही, अंदर रिफ्लेक्ट होंगी, जाहिर बात रिफ्लेक्ट हुई, हाँ। स्केप आउट भी हो सकती है, तो स्केप आउट होने के लिए हमने इसके अंदर एक कंडक्टिंग मटीरियल रखा हुआ, जो थर्मल कंडक्टर, जिसको एल्यूमिनियम कहते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल की शीटें अंदर हमने रखी हुई हैं, वो उसकी हीट को अंदर स्टोर करती हैं और रखती हैं, और खाने का जो हमारा पोर्ट होता है उसको गर्म करती हैं, तो उसकी मदद से आप खाने को गर्म भी कर सकती हैं, और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो लॉस नहीं होती इसकी, जो मतलब जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं ना वो हाइजेनिक होती है और न्यूट्रिशनल भी होती है, उसकी लॉस वगैरह कुछ नहीं होता, और उसका मतलब बस डिसएडवांटेज इसको रात के टाइम में यूज़ नहीं कर सकते, क्लाउड वेदर में यूज़ नहीं कर सकते भाई, अभी हमारे पास इसके अंदर और हम मॉडिफाई करेंगे, अभी तो टाइम कम था हमारे पास, अब इसके अंदर और मॉडिफिकेशन ये करेंगे, जैसे कि सोलर प्लेट्स वगैरह होती हैं रात के टाइम हम यूज़ करते हैं जी। उनके लिए हम बैकअप के लिए बैटरी और चार्जर लेते हैं,
तो उसी के हवाले से हम इसके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करेंगे ताकि बैटरी और बैकअप वगैरह के लिए हम इसको रात के अंडे यूज़ कर सकें। ये देखे जनाब, ये हमें फ्री में मिले हैं यहाँ से, सब कुछ फ्री में, कोई मौका मतलब भाई 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 अच्छी बात है, आपको फ्री में चीजें दे रही हूँ, आपको रोल भी मिला था पैसों पे, आप सब बहुत मजा आया, हमने भी बहुत इंजॉय किया भाई। ये है डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनके स्टूडेंट्स बड़े कमाल के हैं यार। अपना अपना रिव्यू देना चाहेंगे, कैसा लगा आपको इकरा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत, तू भी बोल। यहाँ मुझे बहुत मजा आया, पर सिर्फ एक खराबी थी कि लोग फ्री की चीजें देखकर ना बहुत फ्री हो गए थे। आप तो चुप ही करें, फिर आप चुप करें, आप बताएं आयशा आपको कैसा लगा? बदतमीजी कर रहे थे, आप चुप ही गए, आप चुप रहे, आप शरीफ कौम, आप बताएं, आप बताएं, लेकिन ऑब्वियसली अभी यार, हाँ चलो नहीं तो धक्का ना दे यार तमीज से यार, मतलब लग ही नहीं रहा था कि पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ जवेरिया बात कर रही है, पढ़े लिखे लोग हैं लगे भाई, वो जगह ऐसी थी जहाँ पे सब, हाँ बहुत शॉपिंग कर ली आप लोगों ने तो। बस ये एंड था आज की इस फेस्टिवल का, मजा आ गया भाई। हमारे बारे में तबसरे हो रहे हैं, कितने होते नहीं उन्हें क्या पता कितनी मुश्किल हालात में आए हैं हम। या अल्लाह शुक्र करो रिक्शा मिल गया, वरना हम पागल हो जाते। मेरे गोद में बैठी थी, मैं इसको कह रही थी मेरी गोद में। भाई इन शॉर्ट हम सुकून से आ गए, चलो अब सुकून था, मुझे बड़ा सुकून मिला, लग रहा था कि कोई जान पहचान वाला मिल जाएगी। ये देखें अब हम फेस्टिवल से आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी लैब लेने, लैब में हमें मिस इंटर नहीं होने देंगी, मैं पहले बता दूं। यार देख टॉपिक कराना, ये बोलेंगे कि हम लोग जो है वो टॉपिक समझने गए थे लेट, दफा झूठ वूट कुछ नहीं बोलना, सीधा होकर चलो, बेइज्जती तो वैसे भी होनी है। टोपी है पागल, टोपी भी नहीं करवानी, टोपी मतलब झूठी हो गया ना। देखते हैं अब लैब में जाएंगे, अगर मिस इंटर होने दिया तो बिस्मिल्लाह, नहीं होने दिया तो हम क्या होगा, दलील होके वापस आएंगे। नाम नहीं लेंगे पैसे। अच्छा खामोश हो जाओ, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओए आयतुल कुर्सियाँ सारे पढ़ लो, ये पागल है। तुम लोग इंटर होना पहले, मैं बाद में होंगी इंटर। ये ओ ओ ये हम लोग देख बहाने, ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं कि क्या बोलें, अब क्या बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, हम नहीं जा रहे हैं अंदर यार। वो बहुत बुरी तरीके से डांटेंगे, ऊपर से अटेंडेंस भी नहीं लगवाएंगे, वो उसको बोल देंगे, कुबरा को बोल देंगे, वो अटेंडेंस भी लगवा देंगे, खतीजा को बोल देंगे। चलो मेरी बात सुनो, ये हमारी अंदर लैब चल रही है, हम इधर बाहर खड़े में दिया करें।